धरने पे बैठेंगे हटेंगे नहीं, बिल्कुल हटेंगे नहीं। इतने ही कानून वापस ना ले मोदी, यानी सत्यानाश कर दे मोदी ने पर्यावरण। अच्छा हाँ जी, तो रोड जाम करेंगे, पब्लिक परेशान होगी, कुछ भी हो तो पुलिस लठी बरसाती है। हम भी तो रोड पाए पड़े जी, वैसे ही कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दे दे के नहीं। हम दो महीने ट्रेनिंग दिए, उसमें ट्रेनिंग दे के नहीं, बड़ी मुश्किल से लाइसेंस बनवाया, फिर अब उसको बनवाया तब ये काला कानून निकाल दिया। हम इसको कहते हैं कि कड़ी निंदा करते हैं इसको, हम नहीं मानते इस कानून को। लेकिन अगर ड्राइवर अपनी सेफ्टी के लिए भागेगा और नहीं भागेगा तो काम का शिकार हो जाएगा, और भागेगा अपनी जान बचाएगा 10 लाख जुर्माना देगा, कहाँ से देगा वो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में, और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। सरकार हिट एंड रन कानून लेकर आई है, और उस कानून का विरोध लगातार मेवात इलाके का जो ड्राइवर वर्ग है वो विरोध कर रहा है। और आज चेयरमैन इरशाद की अगुवाई में उन्हाना एसडीएम के मार्फत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया है, और उसमें मांग रखी गई है कि जो सरकार ये कानून लेकर आ रही है इसका पूरे मेवात इलाके का ड्राइवर सहित पूरे देश भर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। और सरकार से मांग है कि इस ड्राइवर को ड्राइवरों के लिए जो कानून लाया जा रहा है इसको वापस लिया जाए, इसको लागू ना किया जाए। हाथों में बैनर है, सजा नहीं सम्मान दो, जुल्म नहीं इंसाफ दो, सख्ती नहीं सम्मान दो, इस तरीके के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या क्या मांग रखी गई है वो सीधा नपा चेयरमैन इरशाद से बात करते हैं। समिति चेयरमैन है इरशाद चेयरमैन, उनकी अगुवाई में आज ये ज्ञापन सौंपा गया है। अच्छा ये बताइए कि जो ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है उसमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं और क्या परेशानी है इस कानून से? पत्रकार महोदय रिजवान भाई जी, जो लोकसभा में अभी हाल ही में जो कानून, काला कानून जो सरकार ने पारित किया है ड्राइवर भाइयों के खिलाफ, ड्राइवर हम भी हैं आप भी हैं, सारे ही भाई ड्राइवर हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत रीढ़ है ट्रक ड्राइवर, जो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, जो महीनों महीनों अपने घर छोड़कर 10 से 12 हजार 15 हजार रुपए कमाने के लिए, और पूरे महीने महीने घर छोड़कर गांव छोड़कर एक गरीबी रेखा से जो पहले ही बहुत नीचे हैं उन, और जो कानून अभी बनाया है कि अगर कोई ड्राइवर का एक्सीडेंट करके भाग जाता है और उनको 10 साल की सजा, और अगर कुछ रुक जाता है तो उसको सजा कम मिलेगी या 5 लाख जुर्माना मिलेगा। अब एक आदमी, जिस आदमी की तनख्वाह ही मात्र 10 से 12 हजार और 15 हजार कमाई का सोर्स है, जिसपे घर भी अच्छे से नहीं है, जिनका रहन पोषण का एक साधन ट्रक ड्राइविंग है, जो पूरे देश में ट्रक ड्राइवर एक देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, लेकिन अब कानून इनके खिलाफ एक कमर तोड़ने वाला कानून है। अगर वो ड्राइविंग करता है और वो 5 लाख कहाँ से देगा? अगर उसके पास 5 लाख हो कि हादसा जब हादसा ही आ गया, एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता। अब एक अनट्रेंड आदमी है, एक बाइक चला रहा है, या हमेशा होता है क्या है कि जो एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी का, यानी कि हम कहें बाइक कार का है तो दोष कार का ही निकालेंगे लोग, बड़े व्हीकल का। ऐसा ही एक इंसान का ये स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि यही होता है कि समझते हैं कि भाई जो बड़ी गाड़ी उन्होंने किया, लेकिन दोष ये नहीं होता। रोड सेफ्टी के अलग अलग नियम हैं, और रोड पे अगर कोई अनजान आदमी या फिर जानबूझकर भी कोई मतलब मिस्टेक से सामने आ जाता है तो इसमें ड्राइवर का क्या दोष? अब सरकार कह रही है अगर उसको रोके उसकी मदद करे तो वहां जो पब्लिक है वो अनजान है, वो ही मार देगी उसको ड्राइवर को, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जनता के गुस्से के शिकार हो जाएंगे, जनता के गुस्से के शिकार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये कानून, काला कानून जो सरकार ने बनाया है, ये ड्राइवरों के हितों में नहीं है। इससे बेहतर है ये अपने रोड सेफ्टी के लिए काम करे, रोड सेफ्टी के नियम और कड़े करे, लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई जो ड्राइवर भाइयों के खिलाफ करी गई, हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। हम ड्राइवर भाइयों के साथ मजबूती से कंधे मिलाकर खड़े हैं। जी बाबा, क्या नाम है? हाकिम खान। कौन सा गाँव है? नहीं, गाड़ी चलाते हैं आप भी? हाँ जी, गाड़ी चलाते हैं। कितने टाइम से? काफी दिनों, 20-22 साल हो गई। 20-22 साल हो गई। अच्छा, सरकार जो कानून लेकर आ रही है, सरकार चाहती है कि जो सड़क हादसे होते हैं उन पर लगाम लगाई जाए, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये जी कानून वापसी लिया जाए, ये कानून जो गरीब आदमी
बाहर भीतर डोलते हैं जब भी गाड़ी चलाते हैं, अगर 5-10 लाख रुपए होएगा तो कौन डिलीवरी करेगा? बच्चों को छोड़ के बाहर डोलते हैं, ये बिल्कुल कानून गलत है, ये वापस लिया जाए और नहीं हम अपने लाइसेंस को फाड़ के फेंक देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ये हमारे बिल्कुल वापस लिया जाए। तो इतने दुखी हो गए आप लोग? हाँ जी, इतना दुखी हो गए। बाबा क्या नाम है? राजुद्दीन। कहाँ से हैं आप? नहीं से। आप भी नहीं से हैं? जी हाँ। अच्छा बताइए, सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या आप घर बैठ जाएंगे? गाड़ी नहीं चलाएंगे? गाड़ी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। क्या करेंगे लाइसेंस को? इतने पैसे हम लाइसेंस बनवाए हैं, क्यों बनवाए? अरे बच्चों को रोटी रोजी कमाने के लिए सरकार क्या देती है? अगर ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, वो दारू पी के चलता है, ड्राइवर एक रोडी पर टायर नहीं चलाता कभी भी, देख रहे हो आप भी अपने मोटरसाइकिल को चलाते हो, कार चलाते हो, कभी चलाते हो क्या? नहीं चलाते। ड्राइवर के कुत्ते के पिल्ले को नहीं मारेगा आदमी, तो बहुत बड़ी बात है। अगर खुदा का एक्सीडेंट हो भी गया, मान लिया हो गया और होते रहते हैं रोड पर, कभी भी हादसा हो जाता है, लेकिन अगर ड्राइवर अपनी सेफ्टी के लिए भागेगा और नहीं भागेगा तो काम का शिकार हो जाएगा, और भागेगा अपनी जान बचाएगा 10 लाख जुर्माना देगा, कहाँ से देगा? वो तो बहुत मुसीबत में है आप। बहुत मुसीबत में है जी। हाँ। सरकार को हमारे निवेदन है गवर्नमेंट से कि इस काले कानून को वापस ले। हाँ। तो ये भारत सरकार कि हम एहसान मानेंगे। चलिए, जब से ये खबर आई है कि हिट एंड रन जो कानून है वो लागू किया जाएगा, तभी से जो ड्राइवर वर्ग है वो सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहा है। जी क्या नाम है? जुबैर खान। अच्छा जुबैर, ये बताएं कि दिक्कतें क्या है इस कानून से? दिक्कत ही दिक्कत है जी। ऐसा अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो उसको पब्लिक नहीं छोड़ेगी, जाहिर सी बात है, हर आदमी समझदार थोड़ी है। और अगर ड्राइवर रुक गया बेचारा या फिर उसको उठाने लग गया तो फिर वालों 7 साल की सजा बोल दी, 7 साल में कहा कर ले गो ड्राइवर, यही रहे धन दो अपने 10-20 हजार रुपए इनके तन कराओ, ऊपर से फिर जुर्माना, तो ड्राइवर कैसे चलाएगा? या वजह से कानून वापसी ले जाए, रद्द कर जाए। चलिए, सारे के सारे लोग मांग यही कर रहे हैं। जी क्या नाम है? इरफान। इरफान, अच्छे बताएं कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है, क्योंकि सरकार का ये सिस्टम है कि जब भी कोई कानून लेकर आती है तो फिर वापस लेने के मूड में नहीं होती है, तो अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर अगला स्टेप क्या है? हम तो धरना धर देंगे, रोड पर बैठ जाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं हटेंगे और लाइसेंस फाड़ देंगे। हाँ। हम कहाँ से जाएं? हमारे तो बालक पढ़ाने वढ़ाने कहाँ, हमारे 20 हजार तनखा मिले सटेट। हाँ। अब हम कहाँ कर लिए? हाँ। अब ये कोई मर्गो तो हम कहाँ जेल में चिड़ेंगे? 20 लाख अगर 10 लाख होते तो हम गाड़ी चलाते, कोई अपने दुकान खोल के बैठ जाते भाई। अच्छा, हाँ धरने पे बैठेंगे, हटेंगे? बिल्कुल हटेंगे ना, इतने कानून वापसी ना ले मोदी, यानी सत्यानाश कर दे मोदी ने पर्यावरण। अच्छा हाँ जी, तो रोड जाम करेंगे, पब्लिक परेशान होगी, कुछ भी हो तो पुलिस लठी बरसाती है। हम भी तो रोड पाए पड़े हैं जी, वैसे ही अब बिना कमाए कहाँ ले जाएंगे? जनता मारेगी वहाँ पे और तब जेल जाएंगे 10 साल को, तो उसमें तो उससे फायदा यह है कि हम पुलिस का लठ झेल लेंगे, उस जनता की थोड़ी मार झेल रही है जी, उसमें तो जनता मार मार के ये नहीं देखती है कसूरवार है बेकसूर है, आती है दमादम दे जाती है जब तक उसकी जान ना निकाल देती है। अब ये बताओ वहाँ रुकेंगे तो पब्लिक मार देगी और भागेंगे तो सरकार मार देगी। अब ये बताओ 10 लाख अगर ड्राइवर के पास होएगा तो अपना घर पे बैठ के खाएगा ना, वो अपना घर पे धंधा करेगा ना, 30-35 हजार का लाइसेंस बनवा रहा है अपने घर पे भैंस बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए, 30-35 हजार की भैंस बांधेगा अपने घर पे बच्चे को पिलाएगा। अब इस पहले लाइसेंस वो बनवा दिया, ट्रेनिंग दे दे के नहीं, हम दो महीने ट्रेनिंग दिए, उसमें ट्रेनिंग दे के नहीं बड़ी मुश्किल से लाइसेंस बनवाया, फिर अब उसको बनवाया तब ये काला कानून निकाल दिया। हम इसको कहते हैं कि कड़ी निंदा करते हैं इसको, हम नहीं मानते इस कानून को। इससे अच्छा एक पुलिस लाठी मारे या यही मार देगी तो अपने घर पे तो मरेंगे अपने बच्चे के पास, लेकिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी। चलिए, ड्राइवरों के बीच में एक नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर के है कि सरकार जो कानून लेकर आई है ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों के हित में नहीं है, और पूरे देश भर के जो ड्राइवर हैं वो सड़कों पर उतर करके इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सरकार से मांग की जा रही है कि इस कानून को लागू ना किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।